हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं मैहू राज और आप देख रहे हो आन ट्यूशन तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि अकाउंटेंसी से ये वीडियो स्पेशली एस बोर्ड के लिए है तो एस बोर्ड के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है इसमें सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इस साल फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वन से लेकर चैप्टर लास्ट चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप पूरे चैप्टर्स के ऊपर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर दीजिए कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन से में जरूर कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा तो देखो सबसे पहला हमारा चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर वन है तो यूनिट नंबर वन से हमें क्या पढ़ने हैं तो यूनिट नंबर वन का नाम क्या है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यहाँ से सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वट इज़ अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स साथ ही साथ दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ने हैं अकाउंटिंग के फिर उसके बाद एक्सप्लेन फाइव पॉइंट्स ऑफ एडवाटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एडवांटेज भी पढ़ो और साथ ही साथ लिमिटेशन भी आप लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फिर उसके बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है और उनके जो है ना कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो ना वो बुक में आप लोगों को मिलेंगे वो भी आप लोगों को पढ़ लेना है उसके बाद मैंशन थ्री फंक्शंस थ्री फंक्शंस पढ़ना है आप लोगों को थ्री फंक्शंस पढ़ लो फोर फंक्शंस पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार फंक्शंस पढ़ लोगे अकाउंटिंग की तो हो जाएगा आप लोगों का फिर डिफाइन बुक कीपिंग क्या है डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है फीचर्स पढ़ना है बुक कीपिंग के तो ये ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स भी मत भूलना उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो पार्टीज है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना वाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है मैंशन टू सोर्स डॉक्यूमेंट्स उसके बाद मैंशन एनी फोर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना और जो है ना लास्ट में इस यूनिट से कुछ डेफिनेशन पढ़ लेना आप लोग दो दो तीन तीन लाइन के डेफिनेशन जैसे कि कैपिटल हो गया ड्रॉइंग्स एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम्स डेटर क्रेडिटर वाउचर रेवेन्यू इनकम डेप है ना नोट क्रेडिट नोट प्रोपाइटर है तो इन कॉन्ट्रैक्ट तो इन सब के जो ना दो दो तीन तीन लाइन के जो ना शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना ताकि आप लोग जो ना उसको डिफाइन कर सको एग्जाम में आ जाए तो. तो तो टोटल दस क्वेश्चन है अगर इस यूनिट से पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा इस यूनिट का सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट का हमारा नाम क्या है सेकेंड यूनिट का नाम है हमारा थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग तो थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग यहाँ से हम लोग क्या पढ़ने तो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है

वट आर वाट आर थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिफाइन वन लाइन वन लाइन में डिफाइन कर दो ठीक है थ्री बेसिस पढ़ लो फिर डबल एंट्री सिस्टम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए डबल एंट्री सिस्टम इसको छोड़ना मत इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पढ़ना यानी कि लिमिटेशन एक्सप्लेन एनी टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग दो प्रिंसिपल्स लिख लो उसके बाद इस चैप्टर से भी कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं आप लोगों को डुएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर है ना तो इन सब के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ लेना है शॉर्ट नोट पढ़ लेना है तो इस चैप्टर से ये नाइन नौ क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो आप लोगों का काम हो जाने वाला है उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर यूनिट से तो थर्ड नंबर यूनिट से आप लोगों को क्या पढ़ना है तो थर्ड नंबर यूनिट से देख लो इसका नाम क्या है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स तो सबसे पहला वाट इज अकाउंट फिर जाके वाट आर इट्स वेरियस टाइप्स गिव ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अकाउंट देखो इन सब सारे क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर्स भी चाहिए थे तो आप कमेंट्स में जरूर कमेंट कर देना तो मैं एक्स्ट्रा से मैं इन सब सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिफाइन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन क्या है इसके फीचर्स ट्रांजेक्शन के फीचर्स भी लिखो फिर उसके बाद है जर्नल ठीक है तो जर्नल के बारे में लिखना हम लोग को वाट इज जर्नल वाट इज जर्नलाइजिंग वाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ जर्नल जर्नल वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है वाट इज सब्सिडरी बुक मैंशन इट्स सिग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस बताओ फिर मैंशन द ट्रांजेक्शन मैंशन ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेवन मैंशन फाइव डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर देखो क्वेश्चंस मैंने बहुत लिमिटेड रखे हैं इतना ही क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा बहुत लोगों को क्या होता है प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिकल करने में तो स्टेट बोर्ड में यानी कि एस बोर्ड में ना आप थ्योरी पढ़ के भी अच्छा मार्क सेवेंटी टू एट्टी स्कोर कर सकते हो अगर आप सिस्टमेटिकली अगर थ्योरी पढ़ लेते हो तो तो जिन लोगों को प्रैक्टिकल से प्रॉब्लम है वो थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर एट डिफाइन अकाउंट जिसमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना उसके बाद है डिफाइन लेजर स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस वट डू यू मीन बाई बैलेंसिंग द अकाउंट लेजर क्या है और लेजर के सब डिविजन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना उसके बाद हाउ आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाइड रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बी आर एस क्या है वाट इज बी आर एस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों जरूरत पड़ता है हमें बी आर एस का एक्सप्लेन करो और या चार कॉजेस बताओ जब बैंक में बैंक के बैंक बुक और यानी कि बैंक बैलेंस और कैश बुक के बीच में जो ना डिफरेंस आ जाता है यानी कि पासबुक और कैश बुक के बीच में जब डिफरेंस आ जाता जा है तो पाँच ऐसे डिफरेंसेस के कारण बता दो उसके बाद डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर क्या है एक्सप्लेन फोर टाइप फोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना कैश डिस्काउंट क्या है ट्रेड डिस्काउंट क्या है जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है व्हाट इज जर्नलाइजिंग इसके स्टेप्स बताओ कैश बुक के बारे में पढ़ना है व्हाट इज़ कैश बुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक है ना पेटी कैश बुक वगैरह जो है वो सब के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना और ये लास्ट में कुछ जो है ना इनके शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ लेना आप उसके बाद यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फोर से हमें क्या पढ़ना है यूनिट नंबर फोर का नाम क्या है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है सस्पेंस अकाउंट के बारे में व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है राइट इट्स यूटिलिटी वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इरोड कितने अलग अलग तरीके के इरोड्स होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स ये करना मत भूलना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही है हालांकि आप एक दो लाइन ही डिफाइन करो लेकिन डिफाइन करो और साथ में एग्जाम्पल्स जरूर दो उसके बाद है हमारा डिफाइन वन साइड एंड टू साइडेड इरोड वन साइड इरोड टू साइडेड इरोड के बीच में मतलब बारे में बताओ मैंशन द इरोड विच इस विच आर डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस तो कौन से ऐसे हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट किए जाते हैं ठीक है इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना आप और आंसर्स अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर कमेंट करना मैं ज़रूर बनाने की वीडियो कोशिश करूँगी करूँगा ठीक है तो व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस क्या है हमारा मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स ट्रायल बैलेंस क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताना है आप लोगों को उसके बाद मैंशन थ्री एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैंशन द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस अलग अलग मेथड जो ट्रायल बेंस प्रिपेयर किया जाता है तो इसमें ये सात क्वेश्चन ही अगर आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों का काम हो जाने वाला है देखो क्वेश्चन मैंने बहुत लिमिटेड रखा है छः सात आठ दस क्वेश्चन ही रखे हैं इतना ही आप लोगों को पढ़ लेना है तो जो ना आप लोगों का फर्स्ट ईयर में काम हो जाएगा उसके बाद यूनिट नंबर फाइव है जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स तो यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है व्हाट इज़ डेप्रिशिएशन मेंशन इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स जो कि डेप्रेशन जिसके लिए प्रोवाइड किया जाता है ये पढ़ना है फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में बताना है डिफरेंस बिटवीन ठीक है एक्सप्लेन द बेसिक फैक्टर्स या फिर बेसिस ऑन विच कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन डिपेंड होता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइडिंग अलग अलग मेथड्स के बारे में बताना है कि जिससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए जाते हैं एक्सप्लेन कर लो उनमें से एक को या और आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन भी पता करके रखना है एस एल एम और डब्ल्यू डी वी यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ठीक है इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन जरूर पढ़ना पढ़ना मत भूलना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन तीन एग्जाम्पल प्रोविजन्स के और रिजर्व्स के कैपिटल्स के रेवेन्यूज के इन जो इन सब के जो है ना आप लोग अलग अलग तरीके से जनरल रिजर्व हो गया रेवेन्यू हो गया ठीक है स्पेसिफिक रिजर्व हो गया सीगरेट रिजर्व हो गया इनके डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना अगर शॉर्ट नोट आए या फिर डेफिनेशन आए तो आप लोग लिख पाओगे उसके बाद है हमारा यूनिट नंबर सिक्स जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ने हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड तो प्रोमिसरी नोट वाट इज प्रोमिसरी नोट उसके फीचर्स बताओ एंड वेरियस पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट जैसे कि तुम्हारा ड्रॉ ऑड्रोई है ना वो सबके बारे में मैंशन टू एडवांटेज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एडवांटेज बताना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंशन द नेम्स ऑफ पार्ट ऑफ द पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई ड्रोया ड्रोई पे है ना व्हाट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है मैंशन फोर पॉइंट्स ऑफ फीचर्स स्पेशल फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइट फाइव पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ए प्रोमिसरी नोट वाट इज एकोमोडेशन बिल क्या है उसके यूजर्स बारे उसके यूजर्स के बारे में बताना है ठीक है उसके बाद हो गया आपका व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डेट क्या बिल एक्सचेंज क्या है देखो इसमें सात ही क्वेश्चन है इसको ही अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो हो जाएगा आपको और आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ठीक है फाइनल अकाउंट नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट तो फाइनल अकाउंट में हमें क्या पढ़ना है देखो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके डेफिनेशन से पढ़ने हैं दो दो तीन तीन लाइन के डिफाइन बैलेंस शीट बैलेंस शीट के बारे में डिफाइन करना है गिव टू कैरेक्टर सिक्स ऑफ क्या बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट क्यों जरूरत पड़ता है क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा वाट इज मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाट इज ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट का ग्रुपिंग क्या है वाट डू यू मीन बाई एडजस्टमेंट एंट्री इन फाइनल अकाउंट गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री वाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है हमारा ठीक है वाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं इट्स यूजर्स डिफाइन एंड डिस्टिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में इनका डेफिनेशन भी इनको डिफाइन करना भी और इनका जो डिफरेंस बिटवीन भी उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन ये जो है ना हमारा व्हाट आर वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इसको एक्सप्लेन करना है तो इस चैप्टर से आपके सिर्फ सात ही क्वेश्चन है उसके बाद यूनिट नंबर हमारा एट जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम मेंशन इट्स मैरिट्स एंड डी बहुत अच्छे से पढ़ लेना व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम अलग अलग तरीके के सिंगल एंट्री सिस्टम क्या क्या है उनको बताओ डिस्टिंगज बिटवीन करना है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद है डिस्टिंगज बिटवीन स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट के बारे में हाउ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इनको भी हम लोग को ठीक है तो इस चैप्टर से देखो सिर्फ पाँच ही क्वेश्चन है अगर इस यूनिट से अगर पाँच क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है उसके बाद हमारा जो है वो चैप्टर नंबर यानी कि यूनिट नंबर नाइन और टेन है तो यूनिट नंबर नाइन और टेन से हमें क्या पढ़ने हैं सबसे पहले तो हमें पढ़ना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि ए आई एस इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस को अच्छे से पढ़ना है वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स वाट कंप्यूटर क्या है इसके फीचर्स अच्छे से पढ़ने आप लोगों को उसके बाद वाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ कंप्यूटर्स मैंशन फाइव फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम मैंशन वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवाटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम साथ ही साथ इनको जो है ना ब्रीफली एक नोट याद कर लेना नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर इन अकाउंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है व्हाट इज डाटा बेस एंड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंशन इट्स कंपोनेंट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो इन तीन टॉपिक को कवरअप कर लेना आप डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है डिफाइन करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एस को ठीक है इनका जो है ना डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना दो तीन लाइन चार लाइन ताकि शॉर्ट नोट आए तो आप लोग लिख पाओगे तो देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट में राउंड ऑफ कर दिया है इस पूरे सारे बुक को कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका हो जाने वाला है अगर आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देखे हो किस कॉलेज में हो आसाम के तो हमें भी अच्छा लगेगा और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये बताना मत भूलना तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय